मित्रों, ये जो दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, इसने अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का किया है तो दिल्ली के गरीब और गांव का किया। ये मोहल्ला क्लिनिक खोलकर आंखों में धूल झोंकना था। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की गरीब जनता से, मोदी जी ने जो योजना लाए हैं, आयुष्मान भारत की योजना जिसमें 5 लाख तक का सभी इलाज गरीब का 1 साल में मुफ्त होने वाला, और केजरीवाल जी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण आयुष्मान भारत योजना को गरीब के पास पहुंचने नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं आपको क्या तकलीफ है? अगर एक गरीब मां अपने बेटे का इलाज दिल्ली के अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराए और उसका खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने, तो आपको क्या तकलीफ होती? उसका जवाब दिल्ली की जनता इस चुनाव में आपसे मांगने वाली है। केजरीवाल जी, आपके मन में भय है कि अगर आयुष्मान भारत योजना चालू हो गई तो दिल्ली की जनता और मोदी जी के बीच में जुड़ाव आ जाएगा। केजरीवाल जी, मैं बता दूं, आप गलत सोच रहे हो, जुड़ाव हो चुका है और दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ। आपके चुनाव के बाद, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ही समय में दिल्ली की जनता ने आपको पहचान लिया है केजरीवाल। इसीलिए जब एमसीडी के चुनाव हुए, तीनों के तीनों कॉर्पोरेशन में आप पार्टी का पत्ता साफ। लोकसभा के चुनाव हुए, भाई विधुड़ी और बहन मीनाक्षी में जी यहां बैठे, जब लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी आप पार्टी का पत्ता साफ हो गया। आप तीसरे नंबर पर पहुंच गए, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आ गई।